नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फॉर यू चैनल में। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रवि। रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे बैठे अगर आपने कभी दूर आसमान में चमकते तारों को देखा हो तो कभी ना कभी दिल में ख्याल जरूर आया होगा कि काश हम भी अंतरिक्ष की सैर कर पाते। आने वाले सालों में शायद आपका ये सपना पूरा हो सके, क्योंकि एलन मस्क और उनकी कंपनी प्राइवेट स्पेस ट्रैवल के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब लोग घूमने के लिए अंतरिक्ष में जा सकेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंतरिक्ष में जीवन पृथ्वी से कितना अलग होगा, या अंतरिक्ष में आपको अपने छोटे छोटे कामों को करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे 10 काम जो आप पृथ्वी पर कर सकते हैं लेकिन अंतरिक्ष में नहीं। लिखने के लिए बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल। धरती पर लिखना बहुत आसान है, आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर कहीं भी हो और कुछ लिखना चाहें तो एक बॉल पॉइंट पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन अंतरिक्ष में लिखना एक मुश्किल काम है। जहां पेंसिल को इस्तेमाल करना खतरनाक है, वहीं बॉल पॉइंट पेन अंतरिक्ष में काम नहीं करता, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी की अनुपस्थिति के कारण बॉल पॉइंट पेन का इंक नीचे निब की तरफ फ्लो नहीं करता है। अगर आप अंतरिक्ष में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल पेन बनाए गए हैं, जैसे कि फिशर स्पेस पेन। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में लिखना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपका पेपर, टेबल और पेन सबके सब हवा में उड़ने लगेंगे और इन्हें रोकने के लिए आपको कोई उपाय सोचना होगा। अंतरिक्ष में बियर या कोल्ड ड्रिंक पीना। अगर आप मौज मस्ती या घूमने के लिए अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक या बियर के बिना ही काम चलाना होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक या बियर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। धरती पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस झाग या बुलबुलों के माध्यम से कोल्ड ड्रिंक से बाहर निकल जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी की अनुपस्थिति के कारण ये गैस बियर या कोल्ड ड्रिंक से बाहर नहीं निकल पाती और इसको पीने के बाद आपको डकार भी नहीं आता, जिसकी वजह से आपको काफी असुविधा महसूस हो सकती है। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वॉस्टोक 4 पाइंट स्टाउट स्पेस बियर का निर्माण किया है, जिसमें कार्बोनेट्स को काफी कम मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। तो आने वाले समय में शायद अंतरिक्ष में भी बियर या कोल्ड ड्रिंक पीना संभव हो सकेगा। अंतरिक्ष में नहाना या कपड़े धोना। अगर आप नहाने के लिए 2-4 बाल्टी पानी इस्तेमाल करते हैं या शावर में नहाना पसंद करते हैं और कपड़े धोने में भी अच्छा खासा पानी इस्तेमाल करते हैं तो अंतरिक्ष आपके लिए नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में पानी एक कीमती वस्तु है और अंतरिक्ष में पानी का व्यवहार धरती से अलग होता है। ग्रेविटी की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में बाल्टी, मग्गे या शावर से नहाना और कपड़े धोना असंभव है। अंतरिक्ष में पानी धरती से ही ले जाया जाता है और इस्तेमाल किए जा चुके पानी को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। यहाँ तक कि यूरिन को भी रिसाइकिल किया जाता है। इसलिए नहाने के लिए अंतरिक्ष यात्री सूखे या गीले टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपने शरीर को पोंछ सकते हैं। साथ ही वो अपने साथ बहुत सारे कपड़े लेकर जाते हैं और एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहनते हैं, ताकि कपड़ों को धोने की आवश्यकता ना पड़े। अंतरिक्ष में सीटी बजाना। अगर आप अपने पसंदीदा गाने को सीटी बजाकर गुनगुनाना पसंद करते हैं तो अंतरिक्ष में आपको काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अंतरिक्ष में काफी मशक्कत करने के बाद भी आप सीटी नहीं बजा पाएंगे। सीटी बजाने के लिए काफी मात्रा में हवा की जरूरत पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष में एयर प्रेशर 4.3 पाउंड्स पर स्क्वेयर इंच होता है, जो पृथ्वी पर उपस्थित नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर 14.7 पाउंड्स पर स्क्वेयर इंच से काफी कम है। इसका सीधा मतलब है कि सीटी बजाने के लिए पर्याप्त हवा की अनुपस्थिति के कारण हम अंतरिक्ष में सीटी नहीं बजा पाएंगे। अंतरिक्ष में
कूड़ा फैलाना। इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से धरती को बहुत नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई के महत्व को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। धरती पर हम भले ही कूड़ा फैलाते रहें, पर यह कूड़ा अंतरिक्ष तक ना पहुंचे, इसके लिए साल 1960 में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, जिसे आज 104 देशों का समर्थन प्राप्त है। इस ट्रीटी के अनुसार कोई भी देश अगर अपना कूड़ा अंतरिक्ष में फैलाता है तो इसे कानून या ट्रीटी का उल्लंघन माना जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे देश को सजा भी सुना सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट के रूप में ईमेल द्वारा भेजना। धरती पर ज्यादातर लोग इंटरनेट से जुड़े हैं और ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल्स को अटैच करके फाइल शेयरिंग भी करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में आप ईमेल के जरिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स को अटैच करके नहीं भेज सकते। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है और अंतरिक्ष यात्रियों को इसका इस्तेमाल करने की छूट भी है, लेकिन साल 2006 में नासा ने सुरक्षा कारणों से ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स को भेजने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। नासा ने ऐसा तब किया जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की, जिसके अनुसार वर्ड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का खतरा था, जिसका मतलब ये था कि हैकर्स वर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंप्यूटर्स पर रिमोट कोड रन कराकर स्पेस स्टेशन को कंट्रोल कर सकते थे। अंतरिक्ष में रोना। धरती पर रोना एक सामान्य प्रक्रिया है। जब कभी भी हम दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो आंसू हमारी आंखों से बरबस ही छलक पड़ते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में भी हम सुख या दुख जैसी भावना को सामान्य तरीके से महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रोना संभव नहीं है। अंतरिक्ष में लिक्विड का व्यवहार धरती से अलग होता है। अगर हम अंतरिक्ष में रोएं तो आंसू हमारी आंखों से छलकेंगे नहीं, बल्कि ये आंसू आंखों में ही एक टीयर बॉल का आकार ले लेंगे। इस वजह से अंतरिक्ष में आंसू बहाकर रोना संभव नहीं है। अंतरिक्ष में गर्भ धारण करना। अभी तक ना तो अंतरिक्ष में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और ना ही कोई गर्भवती महिला अंतरिक्ष में गई है। अंतरिक्ष में सेक्स करना ही बहुत मुश्किल है, फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष में गर्भ धारण किया जा सकता है। लेकिन अंतरिक्ष में मिलने वाले रेडिएशन और ग्रेविटी की अनुपस्थिति के कारण गर्भ धारण करने के लिए अंतरिक्ष एक खतरनाक जगह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में मिलने वाले रेडिएशन से कोख में पल रहे बच्चे के डीएनए पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चे को कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी और उनका डीएनए डैमेज होने की वजह से वो बाकी पृथ्वी वासियों की तरह वंश वृद्धि नहीं कर पाएंगे। साथ ही जीरो ग्रेविटी की वजह से उनकी हड्डियां और मांसपेशियां बहुत कमजोर होंगी। अंतरिक्ष पर कब्जा करना। धरती पर जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और भीड़ की मारामारी में अक्सर पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत काम करता है। जैसे कि ट्रेन का जनरल डब्बा हो या भारी भीड़ के बीच एक अकेली बस, तो अक्सर लोग सीट पर रुमाल रखकर सीट पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ये रुमाल रखकर कब्जा करने वाला सिद्धांत काम नहीं करेगा। साल 1960 में हुई आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार कोई भी देश अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वो देश अंतरिक्ष के उस हिस्से पर सबसे पहले पहुंचा हो। जैसे कि अगर अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे पहले पहुंच जाए तो भी वो मंगल ग्रह को अपने कब्जे में नहीं ले सकता है। अंतरिक्ष में दिशा पता लगाना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारी दिशाएं धरती से जुड़ी हुई हैं और धरती के मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार निर्धारित की गई हैं। धरती पर अगर हम कंपास यूज करें तो हमें दिशाओं के बारे में पता चलता है, लेकिन धरती से दूर अंतरिक्ष में ना तो कंपास काम करता है और ना ही वहां
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसी कोई दिशाएं होती हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में ऊपर नीचे जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री ग्रेविटी की अनुपस्थिति के कारण ऊपर नीचे या दिशाओं में भेद नहीं कर पाते और वो फर्श पर, छत पर, सीधे उल्टे किसी भी तरीके से सो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।